Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and good and आपकी preparations भी काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी. So friends, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त जॉब की अपडेट जो कि डायरेक्ट निकल करके आ रही है EMRS की तरफ से TGT Teachers and Hostel Warden Recruitment 2023 के लिए. फ्रेंड्स, EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, इसमें आपको वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई है. मतलब कि TGT टीचर्स यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एंड हॉस्टल वार्डन की ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है. ये आपको ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी. ऑल इंडिया की वैकेंसी है. मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका रहने वाला है. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल वे में बात करने वाले कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट क्या रहेगा, साथ ही साथ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, इनिशियल इन हैंड सैलरी, सारा कुछ आपको बताने वाली हूँ. तो अगर आप भी इस जॉब रिक्रूटमेंट को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो ना फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है. तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं. फ्रेंड्स, आपको जिस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आई है उसको तो हम लोग जान गए कि EMRS है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल. बट जो एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो आपको नेस्ट के थ्रू कराया जाएगा. तो आइए जान लेते कि NESTS होता क्या है. फ्रेंड्स, ये आपको नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ट्राइबल स्टूडेंट्स इसका फुल फॉर्म होता है. तो इसी के थ्रू आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा. एंड EMRS का मतलब तो आपको बता ही दिया है. तो इसके जो चेयरमैन होते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे जो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं. तो एट प्रेजेंट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान. तो अभी EMRS के चेयरमैन हो गए धर्मेंद्र प्रधान. ये EMRS जो होता है ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए इसकी स्थापना कराई गई थी. फिलहाल आपको TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर प्लस हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी आई है उसमें अगर दोनों पोस्ट को आप कंबाइन करके देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपका 6,329 रहने वाला है. सिर्फ TGT जो टीचर्स हैं उनके लिए फ्रेंड्स यहाँ 5,660 सीट रखा गया है और हॉस्टल वार्डन के लिए आपका 669 सीट्स है, जिसमें मेल के लिए 335 है, फीमेल्स के लिए 334 है. इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें अगर फ्रेंड्स, तो आपका फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है 21 जुलाई 2023 से. एंड लास्ट डेट टू अप्लाई अगर आप देखो तो 18 अगस्त 2023 रहने वाला है. तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है. लास्ट टाइम पे ना सर्वर की बहुत ज़्यादा इशू हो जाती है, तो आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कर दो. एंड योर एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 18th of August 2023. फ्रेंड्स, यहाँ पे मिनिमम एज की जो रिक्वायरमेंट है 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट इज 35 ईयर्स. सो रिलैक्सेशन विल बी प्रोवाइडेड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स. तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि OBC को 3 इयर्स का एंड SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है. बाकी कैटेगरी के लिए भी मिलता है, तो वो आप नोटिफिकेशन में जाके अच्छे से एक बार थ्रो आउट रीड कर लेना. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आज मतलब आप सबको पता होगा कि TGT यानी कि टीचर की वैकेंसी, उसमें भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ज़्यादा एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सब कुछ मांगा गया, तो उतना सब एक्सप्लेन करना जो है एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है. तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं नोटिफिकेशन भी अच्छे से बता दूंगी, मैं पोस्ट कर दूंगी, लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ जाके आप देख लेना और समझ लेना अच्छे से. फिलहाल आपको बता देती हूँ, TGT टीचर्स के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, BEd भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्लस में आप CTET पास होने चाहिए. हॉस्टल वार्डन के लिए अगर आप सिंपली ग्रेजुएट हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इट डजेंट मैटर, आप ग्रेजुएट हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो. एप्लीकेशन की जो फ़ी है यहाँ पे थोड़ा सा हाई आपसे फॉर्म की फ़ी ली जा रही है. TGT टीचर से 1500 रुपीज़ की रहेगी जनरल OBC एंड EWS के लिए. वहीं पे हॉस्टल वार्डन के लिए जनरल OBC EWS आपको 1000 रुपीज़ लिया जा रहा है. अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप मतलब आपसे यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा.
अब बारी आती है सिलेक्शन की प्रोसेस की। तो योर सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डिपेंडेबल ऑन 3 मेजर स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपका रिटन एग्जाम होगा, देन आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका सिंपल सा मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, देन आप इलिजिबल होते हो अपने ज्वाइनिंग लेटर को पाने के लिए। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको EMRS TGT एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेन कर देती हूँ। 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, 150 मार्क्स के लिए 3 आवर्स में ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होता है 0.25 मार्क्स का। तो आइए हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा किस सब्जेक्ट से। जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, नॉलेज ऑफ ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, डोमेन नॉलेज का 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यहाँ पे होता है, इसमें आपको 3 लैंग्वेज रहता है, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, एंड आपको रीजनल लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ओवरऑल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए 3 आवर्स में पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, 0.25 का निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाला है। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स EMRS हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम पैटर्न है 2023 के लिए, उसको समझ लेंगे हम लोग। यहाँ पे 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए रहेगा, एंड 2.5 आवर्स में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 का। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ मार्क्स देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, एंड नॉलेज ऑफ ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रेन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ इंडिया से आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए रहेंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी यहाँ पे होता है, मतलब जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, एंड रीजनिंग जो आपका रीजनल लैंग्वेज होती है ना, वो आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। ओवरऑल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए, एंड आपका 2.5 आवर्स में ये आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा, जितने भी कैंडिडेट कोई भी जॉब की तैयारी करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि मैं जॉब करूंगा तो करूंगी, मुझे क्या सैलरी मिलेगा। तो चलिए मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ, बहुत ही अच्छा आपका यहाँ पे सैलरी रहने वाला है फ्रेंड्स। अगर आप TGT टीचर्स में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, थर्ड लैंग्वेज या लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करोगे, क्वालिफाई कर लोगे, तो यहाँ पे लेवल 7 का सैलरी दिया जाएगा। 44,900 टू 1,42,400 के बीच में ये सैलरी आपका रहने वाला है, अच्छा खासा इंक्रीमेंट तो होगा ही पर ईयर। अदर TGT अगर आप करते हो म्यूजिक, आर्ट्स, PET मेल एंड फीमेल का, यहाँ पे आपको लेवल 6 का मिलने वाला है सैलरी, 35,400 टू 1,12,400 के बीच में। हॉस्टल वार्डन का सैलरी लेवल 5 का रहता है, इसमें आपको 29,200 टू 92,300 के बीच में मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, अच्छा खासा सैलरी है, तो आप लोगों के बीच में एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। अगर हाँ बढ़ गया, तो तैयारी की स्पीड को भी आप बढ़ाओ ताकि इस सैलरी को आप अचीव कर पाओ। एंड जॉब लोकेशन विल बी ऑल ओवर इंडिया एज पर एलोकेटेड बाई द EMRS। सो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने आपको जो भी बेसिक डिटेल बताए हैं EMRS TGT एंड हॉस्टल वार्डन रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर उसे समझने में कोई दिक्कत है फ्रेंड्स, तो आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन आई वो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ। और अगर आप और भी ज्यादा मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम है मेरा, उस पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सबका आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। सो मिलूंगी आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स Stay tuned. Bye-bye. Take care.